अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब अपने घरों में खुशबाश होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हमारा आगे का सफ़र रवा दवा है और हम निकल पड़े हैं मरी के जानेब और खूबसूरत नज़ारे अब आप देखेंगे। आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इन स्पॉट्स पे हमने बहुत मज़ा किया, हमें बहुत मज़ा आया। हम सबसे पहले गए हैं मरी ज़ियारत, अयूबिया गए हैं, वहाँ स्टे है, डिनर है, ब्रेकफास्ट है, चेयर लिफ्ट है, शॉपिंग है। और हाँ, सबसे अहम बात, हम किससे मिले फ़ाइज? हम मिले हमारे मशहूर शाहिद अफरीदी, जो पूरी पाकिस्तान की जान है, उनके कज़न से हमारी मुलाकात हुई वहाँ पर और हमने वहाँ से उनकी शॉप से ड्राई फ्रूट्स लिए और उसके बाद हमारा आगे का सफ़र कंटिन्यू हुआ। फिर हम नथिया गली गए, हमें बहुत बहुत मज़ा आया, यकीनन आपको भी बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स गो। माशाल्लाह से नहायत ही खूबसूरत नज़ारे, ऐसा लगता है कि अल्लाह ने जन्नत का टुकड़ा एक हम ज़मीन पे उतारा है। और यहाँ पे भी क्रिकेट चल रही है माशाल्लाह से, हमारे मुल्क में क्रिकेट के लिए इतना प्यार है कि बस। और पहाड़ों में ठंडी ठंडी हर जगह में, और समय तो थोड़ी मैंने मुलाकात की लड़कों से और पूछा आप लोग कहाँ खेलते, तो इनके ग्राउंड्स बने हुए हैं पहाड़ों के बीच में, तो वहाँ पे ये लोग। और अब हम एंटर हो रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा में, और अब हम इसके बाद जाएंगे मरी की ज़ियारत। वो भी, उसकी भी खूबसूरती आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत है वो। माशाल्लाह हम लोग इतने ब्लेस्ड हैं कि अल्लाह पाक ने हमें ज़मीन पर, हमें हमारे मुल्क में एक जन्नत का टुकड़ा अता कर दिया है जो हम देखे बगैर हम नहीं इसको जान सकते। और अल्लाह मियां ने हमें इतना ब्लेस्ड किया इस मामले में कि हम जितनी भी नॉर्दर्न साइड घूमे, एक तो हमें रिहाई थी खूबसूरती से, हम खूबसूरत नज़ारे, हसीन नज़ारे। ये हम बादलों में हैं और बादलों में आ गए हैं और चारों तरफ हमारे बादल ही बादल हैं और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि हम बहुत हल्के फुल्के हुए हैं और बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। कुछ नहीं दिख रहा। फैमिलीज इंजॉय कर रही हैं पहाड़ों में ठंडी ठंडी हवा, और ये हम बादलों के अंदर आ गए हैं। हमारे हर तरफ बादल ही बादल थे और अगर ये बादल हटेंगे तो आपको इसकी गहराई पता लगेगी कि कितना डीप है। और ये हट गए, देखें कितना कितना डीप है, और तकरीबन 7000 फीट की बुलंदी है ये। हाँ, साहिल समंदर से 7000। अब हम रवा हैं अयूबिया के रास्ते पे और इसके बीच में हम इंजॉय करते हुए जा रहे हैं रास्ता। और आप ये बादलों के हिसाब से देख नहीं सकते, लेकिन ये नहायत ही गहरी वादियाँ हैं ये, और अल्लाह ने माशाल्लाह इतनी खूबसूरत जगह हमें दी हुई है। और यहाँ पे एक प्रोमिनेंट चीज़ आपको ये दिखेगी कि हर जगह बंदर ही बंदर है यहाँ पे। हाँ, और हम एंटर हो गए हैं अयूबिया में और यहाँ पर बंदरों की बहुतात है। और चूँकि हमारे वाइफ को तो जंगल बुक बहुत पसंद है, तो उनको ऐसे एनिमल्स देखने में उनको इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि बस। और जी अब हम एंटर हो चुके हैं अयूबिया में और ये पूरे आप कह सकते हैं एक छोटा सा विलेज है, और बहुत ही खूबसूरत यहाँ के नज़ारे पहाड़ियों के बीच में ये बना है, मतलब टॉप ही है पहाड़ी का। और यहाँ पे होटल्स भी बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स भी हैं, बाज़ार भी है, और यहाँ को आपको हर चीज़ अवेलेबल है। और ये जी हमने होटल ले लिया है, ये देख सकते हैं आप अयूबिया कितना शदीद खूबसूरत है। फिर हम पहुंच चुके हैं अपने रूम में और हमने थोड़ा सा आराम किया, थोड़ा सा फ्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद हमने इरादा किया कि अब हम अयूबिया को डिस्कवर करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। और सबसे पहले जिनसे हम मिले वो है इरफान भाई, और आप इनका तारुफ मुलाहिज़ा फरमाइए।
पे भी कम सेल नहीं है। आप लोग जेल में आप पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम इरफान है जी, मैं पेशावर से बिलोंग कर देता हूँ, थोड़ी देर अयोध्या में है, ये शॉपिंग है जी, और ये ड्राई फ्रूट का सामने शॉपिंग हॉल भी है जी। क्या नाम है आपके शॉप का? ये वफा शॉपिंग हॉल और वफा ड्राई फ्रूट जी। क्या है, इसके 800 रुपए का, इसका 1000 है, ये 500 रुपए का फिक्स, हमारा फिक्स प्राइस है, लेकिन आप लोगों के लिए डिस्काउंट कर लेंगे क्योंकि आप मेहमान हैं। मैं अच्छी हूँ। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्या बोलना? नफुल की तरह ही होता है ना, ये इसको दरख्त चना बोलते हैं, दरख्त चना। ये खाने का तो मतलब ड्राई फ्रूट की तरह खाते हैं। ये तो आप चेक कर लो ना, इसी तरह ये देखो, देख लो बच्चा, ये तुमने कहा लेकिन ये साइकिल नहीं हो। एक दरख्त चना बहुत फायदेमंद आपने, इसका जोड़ लो और दर्द के लिए, और दूसरा जो है ना पेट को जो है ना थोड़ा कम कर दे। ये इसका और इसका जायके में जमीन आसमान का फर्क है। इधर मैं कराती हूँ, इधर कराती हूँ, इधर आओ। ये बेटा महंगे है। मैं करा रही हूँ। बोल दिया आपने, बोल दिया आपने। नहीं गाती आप काजू का नहीं बताए? काजू का ये हमारे पास अच्छी वाले, लेकिन इसका एक दाना चेक कर लेकर आपको, ये आपको मिलेगा 2500। सबसे अच्छा काजू इसमें मेरे पास 1700 का भी था, 1800 का वो खत्म हो गया। ये कितने वाले? 2500 का। अखरोट की भी इनके पास बहुत सारी वैरायटीज थी, देसी, ईरानी और कागजी। आप लाला वाली बात बताओ वापस। लाला वाला, लाला तो जब वो हमारे पास के खुद ही अपनी दिए, वो भी अपनी दिए, पेशावर वाड़े का रहने वाला था, अभी उधर कराची में काफ़ी अरसा हो गया। कराची जी दो दपट्टी जाने उसके घर जो पिछले गुलशन वाला गुलशन इकबाल, अभी तो ये वो डिफेंस में शिफ्ट हो गया, मतलब गुलशन के गुलशन इकबाल में आप मिले दो दफा, और बहुत अच्छा क्यों नहीं चलते चलते। उसका भाई है हाशिम और प्रीदी, गगन भाई सारे मेरे अच्छी बात है। जावेद अफरीदी से आपकी है बात? वो जावेद अफरीदी जो है ना, वो मैंने इस्लामाबाद में देखे है, और इस तरह मिला हुआ है लेकिन गपशप नहीं, हाँ गपशप नहीं मिला। अच्छा यहाँ चपली कबाब कहाँ अच्छा मिलेगा? यहाँ तो मुश्किल, चपली कबाब हमें खाना सही वाला कहाँ पे मिलेगा हमें? पेशावर सबसे बेस्ट। पेशावर हम अगर नहीं तो अगले साल जाएंगे पेशावर। बाद में किसी से भी कहो तो मशहूर कबाब वाला किधर में, आप याद रखेंगे कि खान भाई ने कोई जगह दिखाया। पेशावर का तो मैं पता है बेहतरीन है, पेशावर का तो बेहतरीन, अगले साल जाएंगे इंशाल्लाह जरूर। आप उसका बंदे का गोश्त, काबली पुलाव का वो जो पेशावरी पुलाव है वो कम सबसे मस्त जो है ना, काबली पुलाव होते ज्यादा जो है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसमें इंशाल्लाह जरूर कर लेंगे, और इंशाल्लाह जरूर। और जी यहाँ पे हम एक लोकल रेस्टोरेंट पे हम पहुँच गए हैं अपना डिनर करने, और लोकल फूड जो बोलते हैं ना देसी, वो हमने यहाँ पे एंजॉय किया, जिसमें वेज में हमें भिंडी थी और चने थे। अम्मी इस दफ़ा आप पहले टेस्ट करके बताएं जल्दी, इस दफ़ा टेस्ट करके हाँ जी मम्मा, बनी भी है अच्छी, बनी है अच्छी, होगी तो मैं बोलूँगी अच्छी है, और नहीं होगी तो मैं बोलूँगी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे रिव्यू देना चाहिए। अलग टेस्ट है, हम जो बनाते हैं डिफरेंट टेस्ट है, ये भुना हुआ है।
भुना भुना छोला है, अच्छा है। फाइज आप रिव्यू करिए। फर्क है ना टेस्ट में? मसाला ज्यादा नहीं है, मतलब ऐसा है कि अलग ही टेस्ट है बिल्कुल। और एनवायरनमेंट इतना अच्छा है। हाँ एनवायरनमेंट बहुत जबरदस्त है। एक छोटा सा गांव है, क्या नाम था मिस्टर? अयोध्या। अयोध्या बहुत ही खूबसूरत जगह। ये भिंडी टेस्ट कीजिए। एक सेकेंड, अब मैंने कुकर हाथ मार दिया। भिंडी टेस्ट कीजिए। भिंडी में जो सबसे बड़ी चीज नोटिस कर रहा हूँ मैं, प्याज बहुत ज्यादा डाली है मैंने, भून के। और टमाटर भी है। हाँ टमाटर और प्याज भुने हुए हैं, कच्चे नहीं है। जिस क्वांटिटी में हम डालते हैं ना उससे थोड़े ज्यादा हैं। हाँ नहीं ज्यादा भी है और भुने हुए भी हैं, मतलब सही भुना है उन्होंने, कच्चा टेस्ट नहीं, मतलब कच्चापन नहीं है। वाह अच्छा है ना, अपने स्टाइल में जबरदस्त। चलिए वो अपना एंजॉय करते हैं डिनर, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। KPK में है और खैवा आप खाने के बाद ना ट्राई करें तो आप कर क्या रहे हैं, मतलब ऐसा हाजमा आपका होगा कि बस। और की पड़ी होगी, जबरदस्त, बहुत मजेदार था। लगे तो टेस्ट अच्छा है, दिल्ली का टेस्ट आ रहा है, अलग से कोई टेस्ट भी आ रहा है। कहां से वो पत्ती है शायद इनकी, ना ग्रीन टी, इनकी स्पेशल पत्ती होती है ना ग्रीन टी की। अच्छा टेस्ट आ रहा है, पठानों का मशहूर कहवा। अरे क्या करे, बुलाएं चला रहे बाजू मूवी में ना। बाजू आपका फेवरेट 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 एनिमल कौन सा है? अच्छी है क्या? चलो गुलाल तो चलाओ जल्दी से। ओह जबरदस्त फाइव, आप तो मोगली बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह नई खुशगवार सुबह का आगाज हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारे और सूरज तुलू होने का मंजर। और आसमान में बादल नहीं है क्योंकि बादल पहाड़ों में है, इसलिए ये थोड़ा अलग साइड हमें दिखी इस दफ़ा। बंदर हर जगह आपको बंदर नज़र आएंगे और ये बंदर हमारे होटल पे भी मौजूद हैं। एक दफ़ा अम्मी हमारे के उसमें भी बालकनी में भी आ गया था ना। हाँ हमारे कमरे में आ गया खिड़की के ज़रिए और वो कमरे में आ गया और हम लोग सब बहुत एक्साइटेड हो गए। और हम लोग तैयार होके निकल गए हैं अयोध्या की सैर के लिए। सबसे पहले हमने नाश्ता किया, नाश्ता कैसा था फाइज बताइए? नाश्ता ज़बरदस्त, लोबिया मैंने कल रात को ही बोला था कि ट्राई करें लेकिन उस वक्त इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन इस दफ़ा जब हमने ट्राई किया तो माशाल्लाह सबको बहुत अच्छा लगा। और अब हम इधर चेयरलिफ्ट की तरफ आ चुके हैं, ये तो फेमस चेयरलिफ्ट है, अयोध्या की खासियत है, हर बंदा यहाँ पे आके चेयरलिफ्ट ज़रूर ट्राई करता है। अम्मी वैसे थोड़ा तैतरा नहीं थी लेकिन फिर हमने अम्मी को राज़ी किया कि आप भी चेयरलिफ्ट में बैठे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया। अम्मी लोग पीछे आ रहे हैं और अम्मी को वापस हद से मामूल डर लग रहा है। क्या सच में डर नहीं लग रहा, मजा आ रहा है? अब मजा आ रहा है यार, जा रहे हैं ऊंचाई से, डर लग रहा है थोड़ा। ये काल है, कितना डर है जंगलात, मेरे पांव तक आ रहे और बादलों में हम चेयरलिफ्ट का मजा ले रहे हैं। पीछे से देखो कौन आया, अम्मी लोग आराम से, कितना लंबा सफर है। इसमें खास सेफ्टी है नहीं लेकिन मजा आ रहा है। हम पहाड़ की इस वक्त चोटी पे ऊंचाई पे, यहाँ पे आसपास सिर्फ बादल ही बादल है हमारे, डरे मत चिल कर। और यहाँ पे भी मोबाइल टावर है मुझे। वो अस्सलाम वालेकुम, हम लोग चेयर लिफ्ट में बैठे हैं और ये नज़ारे देखें आप,
पूरी फॉग फॉग हो रही है, बादल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सामने गाय चल रही है चारा। और हम मजीद ऊंचाई में जा रहे हैं वहां पे जहाँ पे सिर्फ बादल हैं, बादल ही बादल, बादल ही बादल। नीचे गाय अपना चारा चल रही है। क्या हुआ अम्मी, मजा आया? इतना तो डरावना नहीं था जितना सोच रहे थे। अब जल्दी उतर। साइड पे हो जाओ। हेलो, लालवा का चेहरा देखो। भैया साइड पे हो जाइएगा आराम से। और जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो यहाँ तो एक मेले का सा समा है, झूले लगे हुए हैं, एंटरटेनमेंट की बहुत सारी चीज़ें हैं, खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे मौसम में आप पकोड़े इन्जॉय करें, फ्रेंच फ्राइज इन्जॉय करें, कॉफ़ी चाय, कश्मीरी चाय। और ये देखिए हमारे वाइस जो है मुस्तकिल इस जंपिंग पे थे। यहाँ पे फ़ोटो सेशन जारी हो सारी है, बड़ा ही मज़ा आया हमें। ये हमारा फेवरेट स्पॉट था। बादल आ चुके, सिर्फ बादल ही बादल, जिंदगी में बहुत ज़्यादा बादल हो गए हैं, खासकर यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा लग रही है। हसीन नज़ारे देखते हुए हम चल पड़े हैं नथिया गली की तरफ। और बहुत ही खूबसूरत नथिया गली है, यहाँ पर भी बहुत एंटरटेनमेंट का सामान है और आप बहुत यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का मशहूर सेंट मैथ्यू चर्च स्कैरी स्टैचू। और अब हम आगे निकले नथिया गली के बाजार की तरफ और हमने सर्दियों में की आइसक्रीम एंजॉय, बहुत ही मज़ा आया। और ये देखिए कितना बेहतरीन बाज़ार है नथिया गली का। अभी कहाँ खड़े हैं आप? डबल कोन की आइसक्रीम मजे की। कहाँ पे आपको पता है? मैंने कहाँ पे आपको पता है? हम कहाँ पे नहीं पता, पता नहीं आपको? हम नथिया गली में है और सर्दी में आइसक्रीम एंजॉय करते हैं। इस व्लॉग का हसीन सफर यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है, लेकिन हमारा सफर अभी जारी है और हमारा नेक्स्ट स्पॉट है हरनो झील। हम उसके बाद बालाकोट जाएंगे, एबटाबाद जाएंगे और आपको अपने साथ लेके जाएंगे इस खूबसूरत सफर पे। इसी के साथ इजाजत दे दीजिए, अल्लाह हाफिज़।